अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कैरी का मुरब्बा। चले आए रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मैंने कैरी ली है, जो रात भर मैंने पानी में रख दिया था, और जिससे इसकी तासीर, जो गर्माइश की तासीर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। 2 कप मैंने चीनी ली है, और ये मसाले लिए मैंने, जो 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, और 1 चुटकी मैंने जर्दे का रंग लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है। आप अपने जैसे स्पाइसी खा रहे हैं तो ये आप मिर्चें ज़्यादा कर लें, वैसे ये लाइट सा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। चले आए तैयार करते हैं कैरी का मुरब्बा। सबसे पहले हम ये कैरी के छिलके उतार लेंगे सारे। ये देखें, इस तरह सारे हम छिलके उतार लेंगे। ये देखें, इस तरह छिलके मैं उतार लूंगी सब कैरियों के, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारी कैरियाँ मैंने छील ली हैं, अब इसको मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह हमने ये देखिए मैंने सारे कटिंग कर ली, और ये मैंने स्टील की पतीली ली। इसमें मैं मुरब्बा बनाऊंगी, वैसे ना सिल्वर की लेना है इसमें, ना जस की लेनी है, कोई सी भी नहीं, इसमें स्टील या नॉन स्टिक चलता है। तो इसी में मुरब्बा बनाऊंगी। इसमें 2 गिलास पानी डाल दूंगी मैं, और इसको 5 या 10 मिनट हम उबालेंगे। 5 मिनट इसको इतना उबालना है कि बस ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी कैरियाँ बॉयल हो गई हैं, अब इसको मैं छान लूँगी। इस तरह इसका सारा पानी निकाल लेंगे, और ये पानी हमें फेंकना नहीं है, ये हम इसका जूस बना सकते हैं कैरी का, और ये पानी इस्तेमाल में आ जाएगा हमारे जूस के। और ये मैं पतीली में डाल दूंगी दोबारा। ये इसमें मैंने 2 कप चीनी डाल दी, इसको थोड़ी देर रख देंगे, ये घुल जाएगी, फिर मैं इसको चूल्हे पे रखूंगी। ये देखिए चीनी इसमें थोड़ी सी घुल गई, अब इसको चूल्हे पे मैं चढ़ा दूंगी, और इसके अंदर सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगी, फिर इसको पकने दूंगी जब तक ये चीनी घुल नहीं जाए। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, और जब तक पकाना है ये सारे मसाले और चीनी घुल नहीं जाए, फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, और अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा और पकेगा, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मुरब्बा तैयार हो गया है, इसी तरह ये गाढ़ा होगा, और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, ये बहुत ज़बरदस्त सा मुरब्बा है, चटपटा सा। आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।